आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सभी जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वादा देख रहे हैं 3300 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3394 का ही लगा चुका है, 3400 से सिर्फ 6 पॉइंट की दूरी पर है। अमित जी आपको क्या लगता है, क्या अगर यहाँ पे क्या बिनौला खल एक बार फिर से 3400 का लेवल टच कर देता है तो क्या वहां पर सस्टेन होने की कुछ चांसेस बन रहे हैं अभी? जी देखिए, ओवरऑल तो मुझे लगता है कि बिनौला खल में पोजिशनली तेजी ही है। 2700 के ऊपर जो तेजी शुरू हुई है वो आज भी जारी है, और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि 2900 के ऊपर तो बाजार ने पेस पकड़ी है, और अभी और भी जो बायर हैं साइडलाइंस पे हैं एंटर करने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये तेजी का जो रुझान है वो जारी रहेगा। पोजिशनल बेसिस पे मैं समझता हूँ कि 3350 के स्तर हमें देखने मिलेंगे, तो करंट मार्केट से भी करीबन 4-5% की तेजी मुझे पोजिशनली और दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म बेसिस 3300 से 3290 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है इमीडिएट तौर पे तेजी की संभावना है। शॉर्ट टर्म टारगेट 3440 और उसके बाद लगभग 3350 का लक्ष्य 2-3 हफ्ते के पॉइंट से लेके चला जा सकता है। जी,